हमारे मन में बैठा हुआ है कि किसी वर्ड में एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, बनता है, बट एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, एस ई एस या आई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं किसका? नाउन का। तो बस याद रखना है कि नाउन में जब एस ई एस या आई एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, क्योंकि बच्चों ने रट रखा है कि जहां भी एस लगा दिया, आई एस लगा दिया, वो प्लूरल बन गया। हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं बट नाउन का। बट यही एस ई एस या आई एस, ये बेसिक चीजें, देखती हूँ बच्चों को क्लियर नहीं है, यही आई एस ई एस अगर वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर बन गया। बस ये एक चीज दिमाग में रखना है कि नाउन में एस ई एस या आई एस लगा तो प्लूरल, और यही एस अगर वर्ब में लग गया तो सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्री एंड एग्रीज, क्या डिफरेंस है? एग्री और एग्रीज में क्या डिफरेंस है? गो और गोज में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्ब है, दोनों तो वर्ब है, और एक में एस है एक में एस नहीं है, दोनों वर्ब है। इतना तो क्लियर है कि दोनों क्रिया है। अगर अगर वर्ब में एस लग गया तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। ठीक है, नाउन में बस यही याद रखो, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल, यही एस अगर वर्ब में लग गया तो सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, वर्ब में वर्ब है दोनों, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो दैट बिकम्स सिंगुलर, और ये एग्री प्लूरल हो गया। उसी तरह ये वर्ब है दोनों, और वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर, और वर्ब से एस हट गया तो प्लूरल। तो वर्ब का तो दिक्कत नहीं है ना, वर्ब का तो दिक्कत नहीं है। अगर ही है, ही एग्रीज, पहले छोटा छोटा करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, बस अल्टीमेटली हम लेंथी सेंटेंस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। ही, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो ही तो नाउन नहीं है, ही प्रोनाउन है, बट सिंगुलर है ना। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। उसी तरह दे होता तो दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो और एक चीज और याद रखना है कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एस ही लगाएंगे, कभी कभी बगैर एस का भी हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड नाउन है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम चिल्ड्रन लगा देंगे। जैसे टूथ, टूथ का मतलब है एक दांत, टूथ नाउन है, और उसको प्लूरल बनाने के लिए टीथ लगा देंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमेशा एस ही लगाया जाता है, ई एस ही लगाया जाता है, बट कभी कभी नाउन को हम प्लूरल बगैर एस का भी बना सकते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, बगैर एस का भी बन सकता है, लेकिन अगर हम एस लगाते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे बॉय नाउन है तो नाउन में मैंने एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। ठीक है, लीफ है, लीफ है, लीफ में वी ई एस लगा दिया प्लूरल बन गया। ठीक है, बेबी, बेबी नाउन है, इसमें आई एस लगा दिया प्लूरल बन गया। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम आई एस लगाते, ई एस लगाते या एस लगाते। बस एक चीज, अभी तक एक ही चीज ध्यान रखना है, नाउन में एस लगा प्लूरल, बट वर्ब में एस लगा सिंगुलर।